हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निष्ठा होम किचन। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं सांभर बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना सांभर की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए सांभर को बनाते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन की घंटी दी होगी उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप पर समय से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी दाल लिया था जिसको सोख होने के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था, और एक छोटे साइज में पम्पकिन लिया था जिसको मैंने काट लिया है, और 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है, और यहाँ पर एक ओनियन लिया था मीडियम साइज का, उसको बारीक चॉप्ड कर लिया है, कड़ी पत्ता लिया हुआ है, ग्रीन कोलियंडर लीव्स लिया है, और ये चिली 2 लिया है। ये चिली मेरी बिल्कुल तीखी नहीं है। और यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून इस स्पून से सांभर मसाला लिया हुआ है, और 1/4 यहाँ पर ड्राई खटाई लिया हुआ है, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, और 1/4 लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, और ये घर की बनी हुई खटाई है। 1 टेबल स्पून राई लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून यहाँ पर सॉल्ट लिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक कुकर लेंगे और कुकर के अंदर सारी दाल डाल लेंगे, और ये देखिए यहाँ पर दाल हमने सारा डाल लिया है, और इसी के अंदर जो कद्दू काट के रखा था उसको भी इसी के अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर पानी को डालेंगे, तो पानी को हमको इतना लेना है कि कद्दू और दाल से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 6 गिलास पानी डाला है इस गिलास के अनुसार, और अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो टर्मरिक पाउडर लिए थे उसको ऐड कर देंगे, और इसी में 2 टेबल स्पून जो सॉल्ट लिए थे उसको भी ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद अब कुकर का ढक्कन को कवर्ड कर देंगे, और इसके बाद इसको गैस के ऊपर चढ़ा देंगे, और इसको 3 सीटी आने तक पकाएंगे। और ये यहाँ पर 3 सीटी आ गई हैं, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सीटी निकल जाने के बाद कुकर को खोल के दिखा रहे हैं, दाल और कद्दू अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसका छौंक लगाएंगे। तो सबसे पहले एक हम कढ़ाई ले लेंगे, और कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, और ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, अब इसके अंदर हम अनियन काट के रखे थे उसको भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से चला के और इसको भूनेंगे। देखिए कितने अच्छे से अनियन को भून रहे हैं। अब इसके अंदर जो कड़ी पत्ता लिए थे उसको ऐड करेंगे, और ये और जो बीच से चिली को काट के रखा था उसको भी इसी में डाल देंगे। ये चिली तीखी नहीं थी इसीलिए मैंने 2 डाली हैं, और आप अपने अनुसार ऐड करिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से भुनेंगे, और इसके अंदर ये मैंने राई लिया था इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे और हाफ को बचा लेंगे, इसको बाद में तड़का देने के काम में लाएंगे। और ये देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून रहे हैं, और देखिए प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। और ये देखिए यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन गए। अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे, तो इसमें ये सांभर मसाला मैंने पानी में घोल लिया, और इसमें जो मैंने 1/4 चिली पाउडर लिया था उसको ऐड कर दिया है, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से हम मसाले को भून रहे हैं। मसालों को खूब अच्छे से भूनना है, जब तक इसके ऊपर ऑयल दिखने ना लगे तब तक भूनना है। और ये देखिए मसाला बिल्कुल भून चुका है। अब इसके अंदर ये जो दाल और
कद्दू को उबाल कर रखा था इसको इसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इसके अंदर हम कद्दू और दाल को डाल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमने दाल और कद्दू को इसी के अंदर ऐड कर लिया है और अब इसको हम पकाएंगे। और इसी के अंदर ये जो घर की बनी हुई खटाई है इसको इसी में डाल देंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। और ये जो ड्राई खटाई थी इसको मैंने हाफ टेबल स्पून लिया था इसको भी डाल देंगे। आप इसके अंदर खटाई अपने अनुसार ऐड करिएगा, आप जिस अनुसार खट्टा खाते हैं। और यदि आपको हल्का मीठा सांभर पसंद है तो आप एक टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर शुगर ऐड नहीं किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम खौलाएंगे और इसके अंदर पानी को थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि सांभर पतला अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने कवर्ड कर दिया और फिर से इसको हम खोल के चलाएंगे। और देखिए सांभर खूब अच्छे से खौल रहा है और इसको फिर से कवर्ड कर देंगे। इसको खूब अच्छे से पकाना है और सांभर तो मुझे तो पतला ही अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना अच्छा सांभर बना हुआ है। अब इसको हम कलर देने के लिए इसमें एक टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च को ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसको आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। अब इसको अच्छे से हम खोलने देंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने नमक इसमें पहले ऐड कर दिया था और इसको आप टेस्ट करने के बाद इसमें नमक कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ सांभर बिल्कुल पक चुका है, गैस को बंद कर देंगे। अब इसको तड़का देने के लिए मैंने एक पैन लिया और उसमें एक टेबल स्पून ऑयल लिया है और ये मैंने बनराई लिया हुआ है, कश्मीरी मिर्च खड़ी लिया हुआ है और कड़ी पत्ता लिया है। अब इससे हम तड़का देंगे। ये मिर्च तीखी नहीं होती हैं, ये सिर्फ तड़के के लिए होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसको खूब अच्छे से पका लेंगे और इसके बाद हम इसको तड़का देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से पक गया और इसको हम अब तड़का दे देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये सांभर देखिए कितना देखने में टेस्टी लग रहा है। और इसके ऊपर हम धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर हम धनिया की पत्ती से गार्निश कर दिए हैं और देखिए कितना टेस्टी सांभर बनके तैयार हुआ है। यदि आप इस सांभर को एक बार बना के खाएंगे तो बार बार बनाएंगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी सांभर लगता है। इसको आप इडली डोसा के साथ बना के खा सकते हैं और इडली और डोसा दोनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब ये सांभर को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यदि फ्रेंड्स आपको यह बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।